हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशे से एक बहुत ही सुंदर आइटम बनाएंगे। उसके लिए मैंने दो कलर की ऊन ले लिए और 4.5 mm का क्रोशिया जिससे मैं रेगुलर बनाती हूँ। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे फ्रेंड्स। मैजिक रिंग बनाई, इसके अंदर से निकाल लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, एक सिंगल क्रोशिया, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर इस मैजिक रिंग के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया से इसको राउंड कर लेंगे। मैजिक रिंग घेरी दिख रही है, फिर चार चैन, एक दो तीन चार चैन लेके फिर मैजिक रिंग के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर चार चैन, एक दो तीन चार चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड्स, एक दो तीन, हम ये ऐसे छोटे छोटे राउंड आठ बना लेंगे, आठ पिकॉट टाइप बना लेंगे। और थोड़ा मैजिक रिंग को मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। तीन बना लिए, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर इस मैजिक रिंग में फ्रेंड्स एक सिंगल क्रोशिया। टोटल आठ बनाकर मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरा फर्स्ट राउंड क्रीम कलर की ऊन से पूरा कर लिया है और इसको खींच के हम इसको छोटा कर देंगे, मैजिक रिंग को छोटा कर दिया। बंद हो गई मैजिक रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये लास्ट वाला है, यहाँ डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। आठ बन गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो चार दो छः दो आठ, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चैन लेके यहाँ स्लिप स्टिच ले लूँगा मैं, स्लिप स्टिच लेके एक चैन लेके मैं ये धागा कट कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ ये छोटी छोटी रिंग बन गई है मैजिक रिंग के ऊपर। अब मैं मेरे ये रानी कलर का धागा है, ऊन है, इसको मैं जोड़ लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने मेरा फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया। सेकंड राउंड में इन जो होल बनाए ना हमने, इन होल में क्रोशिया हुक डालकर ये रानी कलर की ऊन जोड़ लूंगी और इस तरह से निकाल के तीन चैन बना लूंगी, एक दो तीन। तीन चैन बनाकर देखिए फ्रेंड्स, एक दो, दो बार ऊन को लपेटा क्रोशिया पर और फिर यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ट्रिपल क्रोशिया जानते हैं फ्रेंड्स, अपन दो का एक तीनवा लेंगे, फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर एक दो वाला लपेटा, फिर इसी के अंदर दो का एक दो का एक दो का एक, फिर एक दो, दो वाला लपेटा, फिर दो का एक दो का एक दो का एक। तो तीन ट्रिपल क्रोशिया बना लिए फ्रेंड्स। अब मैं तीन चैन बनाऊंगी, एक दो तीन, और इसी होल के अंदर मैं यहाँ स्लिप स्टिच ले लूंगी। स्लिप स्टिच लेकर फ्रेंड्स, फिर मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, एक चैन बनाऊंगी, सिंगल क्रोशिया नहीं, एक चैन बनाऊंगी।
ठीक है फ्रेंड्स, एक चैन बनाऊंगी, उसके बाद में नेक्स्ट ये नेक्स्ट वाला जो पेटल है उसका जो गोला है उसमें आ जाऊंगी, उसके उसमें मैं एक क्रोशिया हुक डाल के पहले तो मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ठीक है, अब तीन चैन लेंगे इसमें, एक दो तीन, और उन दो लपेट के और इसी होल में फ्रेंड्स ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, दो तीन वहाँ निकालेंगे, फिर दो बार ऊन लेंगे, लपेटेंगे क्रोशिया ऊपर, फिर एक दो तीन, फिर एक एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, दो बन गए, दो बार ऊन लपेटी, और इसी इसी सर्किल के अंदर हम एक दो बार लपेट के एक ट्रिपल क्रोशिया फ्रेंड्स और बना लेंगे, एक दो तीन, यानी कि तीन चैन, फिर तीन ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, एक दो तीन, और इसी होल में फ्रेंड्स इसी होल में मैं एक स्लिप स्टिच ले लूँगी, तीन चैन बनाकर ये स्लिप स्टिच ले लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले लूप में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट वाला लूप दिख रहा है, इसमें आने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें आ गए और एक स्लिप स्टिच ले ली, फिर तीन चैन लेके तीन ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पेटल तैयार हो गई, मैं दो बना लिए, पूरा राउंड बना के मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आठ सर्किल में आठ पेटल तैयार कर लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ लास्ट में हमने स्लिप स्टिच लेते हुए इसको बंद कर सिक्योर कर दिया, एक चैन और बना लेते और यहाँ ये ऊन कट कर लेते, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा गोल पेटल वाला फ्लावर बन गया है, दिख रहा है फ्रेंड्स कितना सुंदर है। अब इस गोल फ्लावर से मैं गोल फ्लावर बना ना, इससे मैं चौकोर यानी स्क्वायर ग्रैनी स्क्वायर बनाऊंगी। उसके लिए अब मैं मेरे पहले ग्रीन ऊन जोड़ लूँगी। ये हमने एक बीच में सिंगल क्रोशिया लिया था ना, यहाँ पर हम एक ग्रीन ऊन जोड़ लेंगे, ये देखिए ग्रीन ऊन जोड़ लिया, फिर एक चैन लिया, फिर एक इसी में सिंगल क्रोशिया किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब चार चैन चैन ली, एक दो तीन चार, चार चैन लेके इन दो पेटल के बीच में एक हमने सिंगल क्रोशिया लिया ना, वहीं पर हम अपना क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर चार चैन लेंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर ये दो पेटल्स है इनके बीच में मैंने एक सिंगल क्रोशिया लिया है ना फ्रेंड्स, उसमें मैं अपना क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इस तरह से मैं चार चार चैन एक सिंगल क्रोशिया, चार चैन एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्किल कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इन पेटल्स के पीछे मैंने ये दो पेटल, एक पेटल के पीछे चार चैन कर ली, फिर दो पेटल के बीच में एक सिंगल क्रोशिया किया, वहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर चार चैन कर ली, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से मैंने मेरा ग्रीन कलर के ऊन से मैंने अपना राउंड पूरा कर लिया है। अब मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ ये जो चार चैन ली उसके अंदर आ गई हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ मैं एक दो तीन, तीन चैन ले ली, फिर दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक
दो, यानी एक चैन का ये दो डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चैन लेके इसी में, इसी चैन में, इसी चैन में एक दो तीन, ये हमारा एक कॉर्नर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाली चैन में आएंगे, नेक्स्ट वाली चैन में आएंगे, यहाँ हम तीन डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो दो, ये लास्ट में ये तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली चैन में आएंगे, पीछे पेटल के पीछे ये दिख रही है, इसमें इसमें हम तीन डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक दो तीन चैन लेंगे, फिर इसी चैन है उनमें तीन डबल क्रोशिया लेंगे, ये दूसरा कॉर्नर है, दो तीन, ये हमारा एक कॉर्नर इधर बना लिया, फिर तीन डबल क्रोशिया बीचे बने, फिर एक कॉर्नर यहाँ बना लिया, इस तरह से तीसरा और चौथा कॉर्नर बना के मिलती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले भी हमारा ये फ्लावर राउंड था, गोल था, ये पेटल थी आठ, अब इस पर हमने ग्रीन कलर का ऊन लगा के चार कॉर्नर बना दिए, एक दो ये तीन और ये चार। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड मैंने कर लिया इसका, आप इधर स्लिप स्टिच लेते हुए हम इसके अंदर आ गए हैं, कॉर्नर के अंदर आ गए, फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक और एक दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, एक दो तीन, ये पहला कॉर्नर है, फिर इसी में फ्रेंड्स तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, इस कॉर्नर में तीन चैन लेके दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेके तीन डबल क्रोशिया, फिर फ्रेंड्स ये दिख रहा है ना हमें, ये वाली जगह दिख रही, यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड कॉर्नर में आ गए, तो इसमें हम तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन है और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाकर हम हमारा ये इसका सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और राउंड से अपने चौकोर ग्रीन इसको तैयार कर लिया है, लास्ट में आ गए और यहाँ हम स्लिप स्टिच लेते हुए इसको हम जोड़ देंगे, एक बार और ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक ही आया है उनका। देखिए फ्रेंड्स, दो लाइन मैंने हरे से कर ली, अब दो लाइन मैं क्रीम कलर से बनाऊंगी, ये बीच में मैंने क्रोशिया हुक डाल दिया और यहाँ से ये निकाल लिया, अब इस बीच वाले तीन चैन, इस जगह है ना चैन स्पेस वाले, वहाँ पर एक दो तीन चैन लेके तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक ये दो, दो डबल क्रोशिया बनाया, एक तो चैन का है ही है और दो बोर बना ली मैंने, फिर तीन चैन बनाएंगे, दो तीन,
तीन चेन बना के फिर इसी में, इसी होल में मैं तीन डबल क्रोशिया बना लूँगी, एक दो तीन। ये फ्रेंड्स हमारा एक कॉर्नर तैयार हो गया। फिर ये जो तीन खड्डे दिख रहे हैं ना, एक दो तीन, इन तीनों में मैं तीन तीन डबल क्रोशिया लूँगी, एक दो ये तीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वाले में आ गए, दिख रहा है फ्रेंड्स? अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं। एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। देखो मैंने कैसे मैजिक से राउंड को स्क्वायर शेप में चेंज कर लिया है। अब ये दो राउंड इसके बना दूंगी। फ्रेंड्स आप वीडियो स्किप मत कीजिए, समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये मैं मेरे इसके इस क्रीम कलर की उनसे दो राउंड करके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना चौकोर ग्रेनी स्क्वायर तैयार कर लिया है। अब इस ग्रेनी स्क्वायर से फ्रेंड्स मैं वॉल हैंगिंग बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये नीचे जोड़ दिए हैं फुंदने, एक आपको रखा हुआ है एक जो बताने के लिए, वो किस तरह से जोड़ेंगे लटकन। आप पम पम भी लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऊपर रखा और ये जो दो दो है धागे, इसको नीचे से निकालते हुए इस छेद में से निकाल देंगे, ये और खींच देंगे। ये हमने तैयार कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऊपर हम वॉल हैंगिंग के लिए ये डंडी लगा देंगे। ये डंडी आप झाड़ू की भी ले सकते हो, फूल झाड़ू की या कोई भी ऐसी। ये मैंने तो चाउमीन खाने वाले लिए। ठीक है, इसको यूँ लगा दिया फ्रेंड्स और इसमें से इसको निकालते जाएंगे। दिख रहा है फ्रेंड्स, बनकर इतना सुंदर लगता है फ्रेंड्स ये वॉल हैंगिंग। बनाइए आप जरूर, मैं इसको कंप्लीट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मेरा वॉल हैंगिंग बन के तैयार है, क्या कितना सुंदर लग रहा है। दिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स मेरा ये वॉल हैंगिंग कितना सुंदर लग रहा है बन के। तो आप भी बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।